सब्सक्राइब कीजिए रखीबो लाइव को ऑनलाइन से अर्निंग करने के लिए और दबाइए इसके बेल आइकन को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पाने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप कैसे फंडिंग ऐड करा सकते हो अपने जिप्पे अकाउंट में अपने नेट बैंकिंग के थ्रू। और यहाँ पे मैंने जितना भी वीडियोस देखा जितना भी डिटेल्स मैंने देखा तो सभी ने बताया है जो जिप्पे की तरफ से बैंक डिटेल्स दिया जाता है तो उसमें डिपॉजिट करते हैं, ऐसा कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। तो बहुत सारा कॉल आता है मुझे कि मुझे बेनिफिट से ऐड नहीं करना आता है तो कहां से करूं कैसे करूं। तो ये सारा डिटेल्स जिसको मैं दिखा पाता हूं वो डेस्कटॉप यूज़र है या फिर लैपटॉप यूज़र है, लेकिन मोबाइल यूज़र के लिए दिखाना बहुत तकलीफ़ होता है क्योंकि मोबाइल में टीम व्यूअर वर्क नहीं करता है। क्योंकि मैं मोबाइल से अपना स्क्रीन दिखा सकता हूं लेकिन आप लोगों के स्क्रीन में नहीं देख सकता हूं, तो जिसके कारण मैंने सोचा कि एक वीडियो सी बना डालता हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि जिप्पे में अभी नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट लेना चालू कर दिया है तो बहुत ही इजी हो गया है अभी ट्रांजेक्शन करना, और यहाँ पे अभी रेट भी बहुत कम है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसे बाई करके रखो और जब इसका भाव बढ़ जाए तो आप इसे सेल कर देना। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम यहाँ से कैसे बाय कर सकते हैं अपने बिटकॉइन एंड कैसे अपना डिपॉजिट कर सकते हैं INR में। तो सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे अकाउंट में। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट को खोल लेते हैं एंड अब देख सकते हो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है डिपॉजिट का और दूसरा है विड्रॉल का। तो विड्रॉल आप जो है अपना INR अगर यहाँ पे पड़ा रहता है तो आप उसे विड्रॉल कर सकते हो, और डिपॉजिट वो तो आपको डिपॉजिट करना ही होगा। और दोस्तों यहाँ पे तो चलिए देख लेते हैं डिपॉजिट में। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बैंक डिटेल्स, आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ बैंक डिटेल्स दिया जाएगा जहाँ से आप अपना अमाउंट जो है वहाँ पर डाल दीजिए उसका बेनिफिट से ऐड करके, और जो है अपना रेफरेंस नंबर देगा वो बैंक वाले, तो आप जहाँ से भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन जो है एनेबल दिख रहा है आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है एक्स्ट्रा चार्जेस जो है यहाँ पे अप्लाई है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग और एक चीज़ जो है आप लोग यहाँ पे फॉलो कीजिए, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे 2500 रुपया से मिनिमम जो है 2500 रुपया ऐड कर सकते हो, लेकिन बैंक डिटेल्स के थ्रू आपको यहाँ पे 10000 के ऊपर भरना होगा। तो नेट बैंकिंग में और एक सुविधा जो है वो निकल के आया है कि आप लोग 2500 रुपया भी यहाँ पे भर सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे डाल देते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू देख लेते हैं यहाँ पे हम कैसे ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे ले लेंगे 3000। तो 3000 रुपये में मुझे कितना चार्जेस देना होगा और क्या कुछ मुझे एक्स्ट्रा लगेगा तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है इसे सिलेक्ट कीजिए। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नेट बैंकिंग में मुझे चार्जेस देना हो रहा है करीबन 58 रुपये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपना डिटेल्स। तो आप लोग अगर चाहते हो कि पे करना तो यहाँ पे प्रोसेस टू पे कीजिए, अगर आप लोग नहीं चाहते हो कि हम जो है इस अमाउंट को पे करें या नहीं करें तो वो आपकी मर्ज़ी है, तो आप उसे कैंसिल करा भी सकते हो। तो चलिए हमें यहाँ पर प्रोसेस टू पे करना है और देख लेते हैं हमें आगे क्या कुछ मिलने वाला है, कौन कौन सा बैंक मिलने वाला है और हम किसके ज़रिए कौन सी बैंक के ज़रिए यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन जो है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर बैंक का डिटेल जो है वो दी जा रही है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें यहाँ कौन सा बैंक सबसे इजी होता है और किस बैंक के थ्रू हमें पैसा नेट बैंकिंग से पैसा भेजना आसान होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा बैंक डिटेल्स दिया गया है दोस्तों, तो आपको जो पसंद है आप उसे सिलेक्ट कीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ज़्यादातर लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करते हैं तो मुझे लगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही ईजी रहेगा, तो चलिए हम यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे कर देते हैं। तो स्टेट बैंक इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए पे नाउ पे। तो दोस्तों चलिए हमारा जो लॉगिन पेज है हम उसे पहले लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ। तो दोस्तों अपना पासवर्ड और यूज़र नेम डालने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए, ठीक है।
तो आपके अकाउंट में जो है यहाँ पे क्या दिखाएगा देखिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अपना जो अमाउंट है आप लोग देख सकते हो। तो हमें यहाँ पे जितना अमाउंट दिखा रहा है वो पे करने के लिए हमें कंफर्मेशन करने के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो OTP आपसे मांगा जा रहा है वो आपके मोबाइल में भेजा जाएगा। तो आप उस OTP को टाइप कीजिए एंड पेमेंट कीजिए सबसे फास्ट एंड सबसे इजी तरीके से। तो चलिए हमारा जो है पेमेंट देख लेते हैं कितना जल्दी होता है। तो हमें यहाँ पे अपना OTP डालना है तो हम यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कर देंगे। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा पेमेंट जो है यहाँ पे हो चुका है और हमें कुछ सेकेंड यहाँ पे वेट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा पेमेंट है वो 3000 रुपये का यहाँ पे हमें दे दिया है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपके बैंक आपके जेपे अकाउंट में। बहुत ही जल्द यहाँ पे जो है इंस्टेंटली पेमेंट करा देता है। तो इसके लिए ये सबसे फास्ट चल रहा है। और दोस्तों चार्जेस तो थोड़ा बहुत है तो उसके टेंशन के लिए आप जो है अपना टाइम बर्बाद ना करें। या फिर आप जो है अगर आप देख रहे हो बिटकॉइन का रेट कम चल रहा है तो आपको जल्दी पैसा चाहिए ना, तो ये इस समय में आपको तो ऑप्शन मुझे लग रहा है यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। और दोस्तों अपना फंडिंग होने के बाद जो है आप कैसे अपने बिटकॉइन को बाय कर सकते हो चलिए वो तरीका भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पे इस प्लस बटन में, और प्लस बटन में जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना होगा दूसरे ऑप्शन जहाँ पे बाय एंड सेल बिटकॉइन लिखा हुआ है। तो बाय एंड सेल बिटकॉइन में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो अभी प्राइस चल रहा है 151,964 रुपया। तो अभी आपको जो है अपना अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे अभी 3000 रुपये पड़ा है तो मैं यहाँ पे 3000 रुपये लिख दिया और यहाँ पे बाय बिटकॉइन। तो हमें यहाँ पे इतना अमाउंट दिया जा रहा है ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बाय बिटकॉइन में क्लिक कर देते हैं और ये अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा। तो आपको यहाँ पे डालना होगा अपना MPIN। तो मैं अपना MPIN डाल दूँगा और दोस्तों मुझे मिल गया है अपना जो पैसे का मैंने यहाँ पे डिपॉजिट किया था उसका मुझे बिटकॉइन चाहिए था तो मैंने बाय के लिए यहाँ पे अपना बिटकॉइन और मुझे दिया गया है अपना बिटकॉइन ठीक है दोस्तों। तो आप लोग अगर चाहते हो बिटकॉइन बाय करना और यहाँ पे दोस्तों जो है बिटकॉइन बाइंग एंड सेलिंग में आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है और बहुत सी लोग ऐसे काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे शायद, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस जो है बहुत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और अभी के टाइम में जो बिटकॉइन घट रहा है इसका भाव, तो सभी लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कैसे किया जाए। तो ये था सबसे ईजी तरीका और सबसे आसान तरीका अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है अपने नेट बैंकिंग के थ्रू फंडिंग ऐड करा सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब में जो है आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए एंड आपके कमेंट आपका जो भी सुझाव है आपका जो भी राय है वो देना ना भूले, क्योंकि मैं आप लोगों के बिना और आप लोगों के सपोर्ट के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भी करने के लिए आप लोगों का सपोर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ नहीं ला पाऊँगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे जो वीडियोस है उसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी तकलीफ़ हो रही है या फिर वो भी बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकता है अपने इजी तरीके से। चलिए इस वीडियो को तो इतना ही ख़त्म करता हूँ, मिलते किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।